झारखंड, चार वाहनों में आग लगा दी गई, माओवादियों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया। मणिपुर में जुलाई में लापता हुए दो मैतेई छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए, राज्य ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बेंगलुरु बंद, आज तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ किसान यूनियनों का प्रदर्शन, स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव के घर ईडी की तलाशी, हो रही दस्तावेजों की जांच। यूपी, नाबालिग को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप, तीन गिरफ्तार, लापरवाही बरतने पर तीन पुलिसकर्मी निलंबित। केरल में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूल बस और ऑटो की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत। संसदीय पैनल ने महिला कैदियों के लिए बेहतर सुविधाओं की वकालत की, इसमें सिफारिश की गई है कि बच्चों को 12 साल की उम्र तक जेलों में मां के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। भाजपा नेता मनप्रीत बादल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पंजाब पुलिस ने की अहम कार्रवाई। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के नोटिस के बाद एसपी कार्यालय में लगी मुलायम सिंह की मूर्ति हटाई गई। हरदीप मिज्जर की हत्या को लेकर खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें तीन केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस काल में बीमारू राज्य बन गया था मध्य प्रदेश, हमने वो कलंक मिटाया, सीएम शिवराज चौहान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ब्रिटेन और जर्मनी यात्रा स्थगित। केरल के मुख्यमंत्री विजयन और कैबिनेट ने सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें शुरू की।